नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आज हम बात करेंगे मिशन 2030 को लेकर कर्मचारियों और हितधारकों के आमुखीकरण के बारे में। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना। प्रदेश सरकार राजस्थान को साल 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन 2030 अभियान को लेकर कर्मचारियों और हितधारकों के आमुखीकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन VC के जरिए ग्राम पंचायत स्तर तक किया गया। पहला आमुखीकरण कार्यक्रम शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के स्काउट्स, गाइड्स, NSS, NCC कैडेट्स और पंचायत सहायकों ने मिशन 2030 के संबंध में अपने सुझाव दिए। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सिंचाई एवं जलदाय विभाग और सहकारिता विभाग द्वारा भी अपने कर्मचारियों और हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया गया। आमुखीकरण कार्यक्रमों में 62 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और हितधारकों ने अपने सुझाव दिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मिशन 2030 के तहत 1 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों के सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आमजन से वेबसाइट के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। मिशन को लेकर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक फेस टू फेस सर्वे, IVR सर्वे और इंटरैक्टिव वीडियो के माध्यम से भी सर्वे आयोजित किए जाएंगे। प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए राज्य का विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जाएगा। इतने डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस श्रीमान सुशील जी ने और कमिश्नर IT ने और अखिलेश जी और दूसरे लोगों ने जो दिए हैं, उससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि ये कार्यक्रम कितना व्यापक है। और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि अमूमन हर दूसरे दिन हमारी मुख्य सचिव महोदया उषा शर्मा मैम हम लोगों की इसमें रेगुलरली मॉनिटरिंग करती हैं। इनफैक्ट हर एक एक विभाग के साथ कि क्या हो रहा है और कितने लोगों से हमारी बातचीत हो पाई है, कितने हमारे अधिकारी कर्मचारी लोगों ने इसमें सुझाव दिए हैं, सेंसिटाइजेशन का क्या लेवल है, कितने अन्य स्टेक होल्डर्स जिनकी पहली स्लाइड में अखिलेश जी ने चर्चा की थी उनमें से कितने सारे लोगों से हमारी कंसल्टेशंस हो चुकी हैं, एक एक चीज की बहुत ही गहनता से मुख्य सचिव महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के लेवल पर इस पे चर्चा रूटीनली और रेगुलरली हो रही है। और इसका महत्व भी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यही चाहते हैं कि जब हम राजस्थान की बात करें तो वो राजस्थान की परिकल्पना या आने वाले समय में राजस्थान कैसे होना चाहिए, यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी या नहीं होनी चाहिए, ये चीज हम चंद लोग मिलकर नहीं डिसाइड कर सकते। ये राजस्थान के सारे सिटीजन्स को डिसाइड करना है कि हमें आने वाले समय में राजस्थान को कैसे बनाना है और हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या परिकल्पना है राजस्थान की। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेने से ही इसका जो मेन मकसद है, जो मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं, हम उस पे खरा उतर पाएंगे। और उसमें जैसे कि आपको इतने समय से सारी चीजें शेयर की जा रही है, आपने भी देखा होगा कि IT विभाग का अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा इसमें एक तरह से रोल है हमारा। हम काफी इसमें जो हम लोगों से रीच करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, वो अपने विभाग और आप जैसे हमारे विभाग के साथियों के माध्यम से ही होना है। आप सबका हमें अच्छा सहयोग चाहिए। आने वाला महीना इस परिकल्पना को सच में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों की भूमिका बहुत बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगति की रफ्तार को 10 गुना बढ़ाने के लिए और राजस्थान को साल 2030 तक नंबर 1 बनाने के लिए राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की गई है। साल 2030 तक राजस्थान कैसे बनेगा नंबर 1, आप भी देखिए। राजस्थान मिशन 2030 की बागडोर अब आपके हाथों में है। हम सब इस बात के साक्षी रहे हैं कि पिछले 4 सालों में राजस्थान ने स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, पर्यटन, हस्तशिल्प समेत कई क्षेत्रों में बड़ी तेजी से तरक्की की है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सब संभव हुआ है तो आप सभी राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की लगातार कड़ी मेहनत, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से।
पूरा राजस्थान आपकी मेहनत को सलाम करता है, पर अभी हम ठहर नहीं सकते। अभी हमें और आगे बढ़ना है, तरक्की की रफ्तार को 10 गुना करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने निश्चय किया है कि 2030 तक राजस्थान देश में सबसे अग्रणी राज्य बने, इसीलिए वो लेकर आए हैं राजस्थान मिशन 2030। इस मिशन का उद्देश्य ही ये है कि राजस्थान की प्रगति की गति को 10 गुना करना है, और इसीलिए गवर्नमेंट सिस्टम की रीढ़ के तौर पर प्रगतिशील राजस्थान के निर्माण में आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित करने हेतु हमने एक वेबसाइट बनाई है, mission2030.rajasthan.gov.in। सुझाव सबमिट करने की प्रक्रिया जान लेते हैं। वेबसाइट पर जाएं और अधिकारी कर्मचारी के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करें। आपके फोन पर SMS के जरिए एक OTP आएगा। ये OTP आप वेबसाइट पर आई पॉपअप विंडो में दर्ज कर दें। ये फॉर्म है जिसे निर्देशानुसार आपको भरना है। फॉर्म भरकर सबमिट पर क्लिक करें। राजस्थान मिशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव डिपार्टमेंट वाइज वर्गीकृत करने के बाद संबंधित डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे। अब ये आपका ही काम होगा कि आपके विभाग से संबंधित सभी सुझावों का विश्लेषण करें। जो सुझाव सबसे बेहतरीन हो उन्हें अपने विभाग के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करें, और इस तरह से राजस्थान मिशन 2030 का रोड मैप तैयार होगा। यानी आपके सुझावों और उन्हें अमल में लाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत के बल पर हम राजस्थान मिशन 2030 के उद्देश्य को पूरा करेंगे और राजस्थान देश में नंबर एक प्रदेश बनेगा। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।